कुल्लू विधानसभा क्षेत्र में भाजपा हाईकमान के द्वारा मेरा नाम विधानसभा चुनाव के लिए दिया गया था, लेकिन मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की जिद के कारण मेरा टिकट कट गया। कुल्लू के ढालपुर के रथ मैदान में आजाद प्रत्याशी के तौर पर विधानसभा चुनावों में उतरे भाजपा नेता राम सिंह ने समर्थकों को संबोधित करते हुए कहा कि वे पिछले कई सालों से संगठन के साथ जुड़े हुए हैं और संगठन के हर कार्यक्रम को उन्होंने जनता तक पहुँचाया है, लेकिन आज मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की जिद के चलते कुल्लू विधानसभा से बीजेपी का टिकट उन्हें नहीं मिल पाया। अब कुल्लू विधानसभा की जनता के कहने पर वे आजाद प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मैदान में उतर आए हैं और कुल्लू की जनता ही अब हिमाचल प्रदेश में सरकार तय करेगी। इससे पहले भाजपा नेता राम सिंह ने आजाद प्रत्याशी के तौर पर अपना नामांकन पत्र भी दाखिल किया। वहीं सरवरी से लेकर ढालपुर तक उनके समर्थकों के द्वारा ढोल नगाड़ों के साथ राम सिंह का भी स्वागत किया गया। रथ मैदान में भाजपा नेता राम सिंह ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पर भी भेदभाव करने के आरोप लगाए। राम सिंह ने कहा कि ये लड़ाई अब आम कार्यकर्ताओं की लड़ाई बन गई है और उन्होंने इस मंच के माध्यम से आज पूरी सच्चाई जनता के बीच रखी है। राम सिंह का कहना है कि कुल्लू विधानसभा क्षेत्र में राज परिवार को ही तरजीह दी जाती रही है, जबकि उन्होंने कभी भी संगठन के साथ बगावत नहीं की है। वे आज आम कार्यकर्ताओं की भावनाओं की कदर करते हुए चुनावी मैदान में उतरे और कार्यकर्ताओं के सहयोग से ही लड़ाई में जीत हासिल कर ही मानेंगे। राम सिंह ने कहा कि भाजपा संगठन ने कई ऐसे नेताओं को चुनावों में टिकट दिया है जिन्होंने भाजपा का भरपूर विरोध किया है। कुल्लू विधानसभा क्षेत्र में भी भाजपा ने पैराशूटी नेताओं को टिकट दिया है जिसकी आम जनता के बीच कोई पहुंच नहीं है। अब आगे का फैसला कुल्लू विधानसभा की जनता ही तय करेगी। आजाद प्रत्याशी राम सिंह ने कहा कि वर्तमान में विधायक रहते हुए सुंदर ठाकुर कुल्लू के विकास के कार्य की ओर कोई ध्यान नहीं दिया, जिसका नतीजा ये है कि ग्रामीण क्षेत्रों की सड़कों की हालत खराब है और पर्यटन दृष्टि से भी कुल्लू विधानसभा क्षेत्र को कोई खासा मुकाम नहीं मिल पाया है। ऐसे में आने वाले समय में जहां ग्रामीण क्षेत्रों की हालत को सुधारेंगे तो वहीं पर्यटन के क्षेत्र में भी कुल्लू विधानसभा को आगे ले जाया जाएगा। जब हाईकमान का आशीर्वाद था तो मुख्यमंत्री की जिद आ गई। मैंने जिद के रूप में आपके सामने रखा, मैंने ललकारा नहीं। वो तो बहुत बड़े नेता हैं, सरकार चला रहे हैं, मेरे जैसा छोटा कार्यकर्ता साधारण परिवार से निकला हुआ उनको क्या ललकार सकता है। 80 साल के इस विचार से जुड़ा हूँ, आगे भी जुड़ा रहूँगा। विचार के कारण ही जब 2017 में मुझे कहा कि आप चुनाव नहीं लड़ेंगे, मुझे लोगों ने कहा कि आप चुनाव, मैं कहा नहीं, मैं एक विचार से जुड़ा हूँ। 2017 के बाद जब मुझे बार बार कहा कि आप कुल्लू विधानसभा क्षेत्र में जाइए, मैंने कहा मैं जा रहा हूँ, परंतु कल को दिक्कत आएगी। फिर मैं भी अब जो मैंने जो बगावत 2017 में नहीं की, फिर मुझे मजबूर होकर जनता के बीच में जनता की आवाज़ बनना पड़ेगा। उन्होंने कहा जाइए, मैं जाता रहा, और जब बात आई तो फिर वही हाल हुआ। इसलिए आज राम सिंह बगावत होकर चुनाव नहीं लड़ रहा है। राम सिंह ने बात करनी होती 2017 में कर लेता, परंतु आज जब आम जन की इच्छा है कि भाई इस बार आम जन के बीच का व्यक्ति और पार्टी के प्रति समर्पित और विचारधारा से जुड़ा हुआ व्यक्ति चुनाव लड़े, तो मुझे आज नामांकन पत्र भरना कि कुल्लू के जो ये सदर के वर्तमान विधायक हैं उन्होंने 5 साल में जो कुछ भी नहीं किया और जिस प्रकार से उन्होंने विकास में रोड़ा अड़काया, विकास को कैसे गति दी जाए। उससे पहले जो विधायक रहे हैं उन्होंने क्या किया, आज भी आप देखें कुल्लू विधानसभा क्षेत्र में कई गाँव में सड़कें नहीं हैं। सड़कें हैं तो ऐसा लगता है कि सड़क में गड्ढे नहीं हैं, गड्ढों में ही सड़क है इस प्रकार के। और हिमाचल प्रदेश पर्यटन की दृष्टि से बहुत आगे है। अगर आप देखें हमारा खलार का क्षेत्र, लक का क्षेत्र, महाराजा का क्षेत्र, मणिकर्ण घाटी का क्षेत्र, खोखण का क्षेत्र, एक से बढ़कर एक सुंदर क्षेत्र है। मेरा तो ये रहेगा कि हर क्षेत्र में अगर सड़कें चौड़ी हो जाएं, वोल्वो बसें चले, पानी की समस्या ना हो, तो कुल्लू अपने आप में, मनाली बहुत खूबसूरत है परंतु कुल्लू भी उससे कम नहीं है, क्योंकि यहाँ पर विजन ही नहीं रहा जिसने भी विधानसभा का प्रतिनिधित्व किया। इसलिए विकास, सड़कों को लेकर और आम जन को किसी प्रकार की कठिनाई ना हो, एक गरीब को, एक किसान को, गांव के व्यक्ति को, किसी बुद्धिजीवी को आज कई बार अपने काम के लिए ठोकरें खाने पड़ती है, उससे निजात